अब चलते हैं अगले पेंडिंग क्रिमिनल केस, सॉरी अगले केस के साथ, जिसका नाम है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा 2020 का केस। बहुत इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों। यह केस बात करता है डॉटर्स राइट टू द प्रॉपर्टी। आप सभी जानते हैं आजकल के जो लड़के हैं ऐसे महान आत्माएं हैं कि माता पिता की संपत्ति को प्राप्त करने के बाद जो माता पिता होते हैं बोलते हैं कौन कहाँ से आए हो, कौन सा काम है तुम्हारा, कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों इसी को देखते हुए और साथ में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन न हो, पहले क्या था कि जब हिंदू सक्सेशन एक्ट बनाया गया तो उस समय लड़कियों को माता पिता की जो पैतृक संपत्ति होती थी उसमें अधिकार नहीं होता था। तो इसी को देखते हुए दोस्तों 2005 में क्या किया गया था, उसमें कुछ संशोधन किए गए थे और लड़कों की तरह ही दोस्तों क्या कहा गया था, लड़कियों को भी माता पिता की संपत्ति में अधिकार दिया गया था। और यह केस दोस्तों इसी से बात से रिलेटेड है, कुछ महत्वपूर्ण मेजर पॉइंट्स पे जो कि जानना जरूरी है। तो दोस्तों इस केस में जो बेंच थी वो थी जस्टिस अरुण मिश्रा की और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की। दो इंपॉर्टेंट जज हैं दोस्तों इस केस को लेके, आपको यह जानना चाहिए। हुआ एक्चुअली यूं था कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है जिसे हम लोग दोस्तों जानते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के नाम से, तो दोस्तों यह जो इसका सेक्शन 6 है हिंदू सक्सेशन एक्ट का जो सेक्शन 6 है दोस्तों इसे 2005 में एमेंड किया गया था, इसे संशोधित किया गया था। अच्छा भाई जब संशोधित किया गया तो जुड़ा क्या, परिवर्तित क्या हुआ, तो मैंने अभी बताया कि पहले लड़कियों को माता पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं होता था, लेकिन 2005 में जब यह अमेंडमेंट किया गया तो लड़कियों को भी डॉटर्स एंड सन्स आर इक्वल राइट्स इन प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर एंड पेरेंट्स कह सकते हैं दोस्तों, यह किया गया। लेकिन अब बात यह है कि यह जब संशोधन हुआ इसे इनैक्ट किया गया, लागू किया गया 9 नवंबर 2005 से। अब बात यहां पर दिक्कत यह निकल कर आती है दो चीजें कि राइट ऑफ डॉटर बॉर्न बिफोर 2005, मतलब कि अब ये लागू कब से हुआ भैया, 9 नवंबर 2005 को, तो क्या 2005 से पहले की जो लड़कियां हैं क्या उनके संपत्ति पर अधिकार नहीं होंगे, यह क्वेश्चन था। दूसरा था कि क्या जब यह अमेंडमेंट हुआ है तो उस समय पिता का जीवित होना अनिवार्य है, यह दो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने इंपॉर्टेंट थे। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब देते हुए कहा कि जिस प्रकार लड़के का अधिकार जन्म के साथ ही पिता की संपत्ति पर हो जाता है ठीक उसी प्रकार दोस्तों डॉटर्स हैव दिस राइट बाई बर्थ, मतलब लड़के की तरह भी लड़कियों को भी जन्म सिद्ध अधिकार है, इसीलिए चाहे वो 2005 के बाद हों या 2005 के पहले हों उन्हें यह अधिकार बाई बर्थ दिया गया। और सेकेंड चीज का जवाब देते हुए कहा कि यहाँ पर पिता का उस समय जीवित होना अनिवार्य नहीं है, पिता जीवित हैं या नहीं है यह राइट उनको सदैव प्राप्त रहेगा, यहाँ पर पिता के जीवित या मृत होने की बात नहीं आती है। तो इस प्रकार इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे डिफाइन कर दिया कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 6 में अमेंडमेंट के द्वारा यह कहा गया था कि डॉटर्स हैव इक्वल राइट लाइक सन इन फादर्स प्रॉपर्टी, इन दैट सिचुएशन दोस्तों उन्होंने क्या कहा कि उत्तराधिकार एवं प्रॉपर्टी दोनों के समान अधिकार हैं इस केस के द्वारा बताया गया, जो कि नाम है विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा 2020 के नाम से।